Brought to you by Physics Wala. मेरे भाई सिद्धार्थ कासीवाल ने वैश्य महासंगठन से हमें जोड़कर पूरा दिन रात एक करके हमें न्याय दिलाने की कोशिश करी और उसमें आज वो सफल हुए हैं। मैं उनको दिल से बधाई देती हूँ। भारत के इतिहास में या वैश्विक इतिहास में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहाँ पे पीड़ितों को मुआवजा मिला और इतनी जल्द मिला। हम लोग ने 6 तारीख से आंदोलन शुरू किया, आज 26 तारीख है और आज हम लोग को यहाँ पे मुआवजा बैंक देने जा रही है। जो भी पीड़ितों के साथ नुकसान हुआ उसका 75% बैंक मूल्य करके उनको दे रही है, मुआवजा दे रही है। आपका पैसा मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भाई एक आशा की किरण जगी हम लोगों को मिल रहा है, कोई उम्मीद नहीं थी। ये हमारे भतीजे हैं सिद्धार्थ जी, इन्हीं के कारण ही हम लोगों को मिल रहा है और सभी लोगों का प्रयास रहा है, सब लोगों ने मेहनत की है तो उसके कारण हम लोगों को सफलता आज मिल रही है। सभी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अमिताभ गुप्ता जी, बैंक में आपका पैसा लाकर जा हुआ, अब मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई सिद्धार्थ कासीवाल ने वैसे महासंगठन से हमें जोड़कर पूरा दिन रात एक करके हमें न्याय दिलाने की कोशिश करी और उसमें आज वो सफल हुए हैं। मैं उनको दिल से बधाई देती हूँ। सिद्धार्थ जी, किस प्रकार से आपने लड़ाई लड़ी, क्या कहना? देखिए, हम लोगों ने जिस दिन से पहले दिन से लड़ाई लड़ी थी, अपने आप में एक अप्रतिम सी अनूठी सी असंभव सा एक संघर्ष था जो आज तक भारत के इतिहास में या वैश्विक इतिहास में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जहां पे पीड़ितों को मुआवजा मिला और इतनी जल्द मिला। हम लोगों ने 6 तारीख से आंदोलन शुरू किया, आज 26 तारीख है और आज हम लोग को यहां पे मुआवजा बैंक देने जा रही है। जो भी पीड़ितों के साथ नुकसान हुआ उसका 75% बैंक मूल्य करके उनको दे रही है, मुआवजा दे रही है। ये एक संघर्ष ऐसा रहा है जो मानव इतिहास में, भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह जो प्रपोजल था अपने सीएमडी साहब को, ईडी साहब को, अपने हेड ऑफिस में भेजा, अग्रसारित किया कि यह जो है देखने लायक बात है। वहाँ सीएमडी ईडी साहब ने बैंक के रिपुटेशन का ख्याल रखते हुए अपने स्तर पर यह एक स्पेशल डिसीजन लिया कि नहीं, कस्टमर इतने सालों से, कुछ कस्टमर इसमें 30 साल से हैं, कुछ 40 साल से हैं, कुछ 25 साल से हैं, तो इनका इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए, कस्टमर के लॉयलिटी का ख्याल रखते हुए कि सेंट्रल बैंक के नाम के आगे ही लोग आते हैं, बैंकिंग करते हैं, लॉकर में सामान रखते हैं, तो हम अपनी नाम और साख के अनुरूप जो हमारा कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें। भले हमको नुकसान हो रहा है 2,64,00,000 का, लेकिन यह नुकसान भी हम लोग अपने रिपुटेशन के लिए बियर करेंगे और नियम के बाहर जाकर के हमारे सीएमडी साहब ने इसको सैंक्शन किया, अलाउ किया। इसके लिए वर्चुअली हमारे सीएमडी साहब और ईडी साहब ही धन्यवाद के पात्र हैं। हमने केवल अग्रसारित किया था, फिर भी मतलब जो कस्टमर के लिए हुआ यह बहुत ही अच्छा हुआ, कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड है। 11 लोगों को 2,64,50,000 रुपए दिया गया। कैसे शेयर किए हैं सर, मतलब किस हिसाब से दिए हैं? इसमें क्या है कि कस्टमर का जो कम्प्लेन था ऑन डिक्लेरेशन बेसिस था, कस्टमर ने उसका न कोई प्रूफ दिया है न कुछ दिया है, डिक्लेरेशन दिया। कस्टमर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ कंसेंट मीटिंग हुई, हमारे माननीय ईडी साहब राजीव पुरी जी आए, उनके साथ मीटिंग हुई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर थे उनके साथ कल लखनऊ में मीटिंग हुई और यह डिसाइड हुआ कि यूनिफॉर्म 500 ग्राम का सबको देना है। अगर क्लेम 500 ग्राम का हो, 22 कैरेट गोल्ड 500 ग्राम 5,000 पर ग्राम के रेट से, या उससे जिनका कम क्लेम अमाउंट है वो कम क्लेम अमाउंट है वो टोटल दिया जाएगा, अदरवाइज 5,000 पर ग्राम करके मैक्सिमम 500 ग्राम के लिए दिया जाएगा गोल्ड के लिए।